मुसल्लम है ज़माने में वफ़ा सिद्दीक़ी अकबर की, रज़ाए मुस्तफ़ा ही है रज़ा सिद्दीक़ी अकबर की। वही अतक़ा, वही औफ़ा, वही आदल, वही अफदल है। कैसी मुनफरिद हर हर अदा सिद्दीक़ी अकबर की। लुटाया जिसने मालो जान को राह नबुव्वत में, नबी पे हर कराबत थी फ़िदा सिद्दीक़ी अकबर की। वो किसको मुसल्ला दिया मुस्तफ़ा ने भी, खुदा ने भी। नज़र आई ये अज़मत पा रहा सिद्दीक़ी अकबर की। मकाम अफ़ज़ल उम्मत को बहम तोलने वालों, अली मौला से पूछो इक़्तिदा सिद्दीक़ी अकबर की। ए आसिफ़, ये निगाह मुस्तफ़ा की ही तजल्ली है, मिली सादात से मुझको आता सिद्दीक़ी अकबर की। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू की हम्द व सना। हुज़ूर सरवर कायनात अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद स्टेज पर जलवा फरमा मेरे उस्ताद गिरामी उस्तादुल उलमा हज़रत आलामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब ज़ीद शरफ़ुहु और मेरे उस्ताद गिरामी शमशीर हुजूर कन्जुल उलमा मुफ्ती व किरदार हज़रत आलामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर ज़ाहिद महमूद कादरी जलाली नुमानी ज़ीद शरफ़ुहु और स्टेज पे जलवा फरमा उलमाए किराम और अवाम अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन आपने टाइटल से आज की इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने का मकसद तो जान लिया होगा। मैं मुख्तसर सी हाज़िरी पेश करके इजाज़त चाहूँगा कि खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुआज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से हज़रत सैयदना सिद्दीक़ी अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो मकाम अता फ़रमाया है, उसका तज़किरा सिर्फ़ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ही नहीं बल्कि पहली आसमानी कुतुब में भी मौजूद है। उस्तुल ग़ाबा में ये रिवायत मौजूद है कि जब सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुआज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो उस वक्त हज़रत सैयदना सिद्दीक़ी अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यमन में थे, तिजारत की गर्ज से आप तशरीफ़ ले गए हुए थे। तो सैयदना सिद्दीक़ी अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी वहाँ एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई जो कि पहली किताबों के आलिम थे, जानने वाले थे। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, अहिरमियुन अंता, क्या आप हरम शरीफ से आए हैं? तो मैंने जवाब दिया, नाम, मैं हरम शरीफ से आया हूँ। दूसरा सवाल किया, क्या तुम्हारा ताल्लुक कबीले कुरैश से है? तो मैंने जवाब दिया, नाम, मेरा ताल्लुक कबीले कुरैश से है। तो उस बुजुर्ग ने तीसरा सवाल किया, क्या जो कबीले कुरैश की शाख बनी तैम बिन मुर्रा है तुम्हारा उससे ताल्लुक है? मैंने कहा हाँ, मेरा उससे ताल्लुक है। उसके बाद चौथा सवाल किया, इरफा सौबक, अपने पेट से कपड़ा उठाइए। तो सैयदना सिद्दीक़ी अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने कहा इसकी क्या वजह है? आपने पहला सवाल किया, मैंने जवाब दिया, दूसरा किया, जवाब दिया, तीसरा किया, जवाब दिया, ये चौथा सवाल, इसका करने का मकसद क्या है कि आप अपने पेट से कपड़ा उठाइए? लेकिन मुझे इस चीज का अंदाजा जरूर है कि जो आप मेरे से सवाल कर रहे हैं इसका कोई मकसद जरूर है, लेकिन जो आपने मुझसे चौथा सवाल किया कि अपने पेट से कपड़ा उठाइए, इसकी पहले मुझे हकीकत बताएं। वो बुजुर्ग कहने लगे, अपनी आसमानी कुतुब में मैंने ये लिखा हुआ पाया है कि जो आखिर ज़मान नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो वो हरम शरीफ में जलवा फरमा होंगे, तो जो उनकी उम्मत का बेड़ा उठाएगा, एक नौजवान होगा और एक अधेड़ उम्र का शख्स होगा, तो वो जो अधेड़ उम्र का शख्स है वो आप ही हैं, तो आपके अंदर मैंने जो निशानियां पड़ी हैं वो देखना चाहता हूं। तो तीन निशानियां तो मैंने देख ली कि आप हरम शरीफ से आए, कुरैश से आपका ताल्लुक और फिर कुरैश की शाख बनी तैम बिन मुर्रा से आपका ताल्लुक है, लेकिन एक निशानी मैंने ये पढ़ी है कि उस अधेड़ उम्र शख्स के नाफ के ऊपर तिल का निशान होगा, मैं वो देखना चाहता हूं, और एक रान पे निशान होगा, वो मैं देख नहीं सकता, लेकिन जो नाफ के ऊपर तिल का निशान है मैं वो देखना चाहता हूं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ी अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने पेट मुबारक से कपड़ा उठाया, जब उन्होंने नाक के ऊपर तिल का निशान देखा तो वो बुजुर्ग कहने लगे, फवरब्बिल काबती अंता, खुदा की कसम तुम ही वो शख्स हो जो उस नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत का जो बेड़ा है वो उठाओगे, उनकी ज़ेरी हयात तय्यबा की बात जो उस उम्मत का सहारा बनोगे वो तुम ही वो शख्स हो। वापस तशरीफ लाने लगे तो उस बुजुर्ग को कहा कि मैं अब वापस जाने लगा हूँ, अगर कोई पैगाम हो उस नबी तक पहुँचाना, तुम चाहो तो मैं पहुँचा दूंगा। उस बुजुर्ग ने कहा कि मैंने उनकी शान में एक नात लिखी है, ये मेरी नात उन तक पहुँचा देना। जब वापस तशरीफ लाए तो आगे अबू जाल और उसका पूरा टोला खड़ा था, इस इंतजार में कि सिद्दीकी अकबर तशरीफ लाएं और उनसे बात करें कि तुम्हारे जो दोस्त हैं उन्होंने नबुव्वत का ऐलान कर दिया है। जब सिद्दीकी अकबर वापस तशरीफ लाए अबू जाहल कहने लगा कि ऐ सिद्दीक, तुम्हारे दोस्त ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया है। तो सिद्दीकी अकबर फरमाने लगे, पहले मुझे उनसे मुलाकात तो करने दो, मुझे उस महबूब से पहले एक मुलाकात करके देखने तो दो वो क्या फरमाते हैं। जब सरकार से मुलाकात हुई तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ सिद्दीक, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू ने मुझे आपकी तरफ भी नबी बनाकर भेजा है और कयामत तक आने वाले लोगों की तरफ नबी बनाकर भेजा है। तो इस मौका पे सिद्दीकी अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, मा दलीलुका, ऐ महबूब दलील क्या है, आप अल्लाह के नबी हैं, अपनी नबुव्वत पर कोई दलील तो पेश कीजिए। हालांकि जो दूसरी रिवायात मिलती हैं साह में उसमें यह है कि सिद्दीकी अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की जहां सरकार ने दीगर शान बयान की वहां सरकार ने यह भी शान बयान फरमाई थी कि वो और लोग हैं कि जिनको मैं इस्लाम पेश करता था और वो वक्त लेते थे सोचने का, लेकिन सिद्दीक वो हैं कि यूं ही मैंने इन पर इस्लाम पेश किया, एक लम्हे इनको दावत पेश कर रहा था, दूसरे लम्हे इस्लाम कबूल कर रहे थे, एक लम्हे के लिए भी सोचा नहीं, लेकिन इस मौका पर दलील मांगी। यहाँ दलील अपने लिए नहीं मांग रहे थे, जो बाहर अबू जाहल का टोला खड़ा था उसके लिए मांग रहे थे। जब सरकार से अर्ज किया, मेरे आका मा दलीलू का, आपके नबी होने की दलील क्या है। कुर्बान जाए महबूब अलैहिस्सलाम की निगाह पे सरकार ने फरमाया कि ऐ सिद्दीक, मेरी नबुव्वत की दलील वो शेख हैं यमन में जिनसे तुम्हारी मुलाकात हुई है। अर्ज करते हैं, मेरे आका, मेरी तो यमन में कई बुजुर्गों से मुलाकातें हुई हैं, आप किस शेख की बात कर रहे हैं। सरकार ने फरमाया, मैं उस शेख की बात कर रहा हूँ कि जिस शेख ने आते हुए तुझे मेरी नात दी है, मैं उस शेख की बात कर रहा हूँ, लिहाजा मेरी नबुव्वत की दलील वो बुजुर्ग वो शेख है। अर्ज करते हैं, मेरे आका हाथ आगे कीजिए, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। कलमा पढ़ा, बैर तशरीफ लाए। आगे अबू जाहल कहने लगा कि ऐ सिद्दीक, क्या फैसला किया है। फरमाया, फैसला कर लिया है, मैं उनका गुलाम बन गया हूं, कलमा पढ़ लिया है। कहने लगा, ऐ सिद्दीक, कितना जल्दी फैसला किया है, सोचा भी नहीं, मशवरा भी नहीं किया, अरे उनसे कोई दलील तो मांग लेते। कुर्बान जाए सिद्दीकी अकबर के मकाम पे फरमाती है, अबू जाहल, अरे मैं था यमन में और वो थे मक्का में, मैं यमन में जिस जिस से मिला और जो उससे बात की, मुझको देख भी रहे थे और पहचान भी रहे थे। अरे जो मक्का में बैठकर यमन की सच्ची खबरें देते हैं, मैं कसम उठा के कहता हूं कि वो फर्श जमीन पे बैठ के अर्श बरी की भी सच्ची खबरें देते हैं। सरे अर्श पे है तेरी गुजर, दिल फर्श पे है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं, मेरे आका जो तुझ पे आया ना हो। वो हजरत सैयदना सिद्दीकी अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो कि जिनकी शान सरकार ने खुद बयान फरमाई। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि वो और लोग हैं कि जिन्होंने मुझ पर एहसानात किए, मैंने उनके एहसानात का बदला दुनिया में ही दे दिया है, लेकिन सिद्दीक वो है कि जिनके एहसानात का बदला रब की जात कयामत के दिन अता फरमाएगी। और दूसरे मौका पे फरमाया कि सिद्दीक के माल ने जितना मुझे नफा दिया है उतना किसी और के माल ने नफा नहीं दिया। तो आज के इस माहौल में अगर आज कोई ये कहे कि हजरत सैयदना सिद्दीकी अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो सियासतदान तो बहुत बड़े थे लेकिन वली चोटी के नहीं थे। फवायद के अंदर हजरत निजामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमान ने लिखा है कि एक दिन सिद्दीकी अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो जा रहे थे, जाते जाते आपके पाँव मुबारक के नीचे चींटी आ गई, चींटी के ऊपर आपका पाँव आया, उस चींटी ने आहली आवाज निकाली, आपने फौरन कदम मुबारक उठाया और उस चींटी को हाथ पे रखा, तड़पती तड़पती वो जान दे गई। आपने हाथ पे रख के उस चींटी को अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ऐ मेरे रब, अगर तेरी बारगाह में सिद्दीक का एक बाल बराबर भी दखल है तो उसकी हुर्मत से इसको जिंदा कर दे। हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, अभी तक सिद्दीकी अकबर के अल्फाज मुकब्बल नहीं हुए थे, अल्लाह ने अपने कुदरत से उस चींटी को जिंदा कर दिया था। इतना बड़ा वली। यहां तक कि दूसरी रिवायत में निजामुद्दीन औलिया रहमा फरमाते हैं कि जब सिद्दीकी अकबर नमाज पढ़ते थे तो 1000 मुकर्रब फरिश्ता आपको देखता, आपकी इबादत को खुशू खुजू इतना होता कि जब आप अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते तो वो 1000 फरिश्ता कांपना शुरू हो जाता था। और इतना बड़ा वली और इतना मकाम मर्तबे का मालिक शख्स वो हजरत सैयदना सिद्दीकी अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। लिहाजा आज के माहौल में हजरत सैयदना सिद्दीकी अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात पर तबर्राबाजी करना और उनकी जात को निशाना बनाकर माज़ल्लाह तरह तरह की बातें करना, कभी अफजलियत का इनकार, कभी उनके मकाम सहाबियत का इनकार। तो ये बात याद रखना, जिसने माअज़ल्लाह हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात पर किसी लिहाज से भी कलाम किया कि सियासत में उनका पहला नंबर है, विलायत में उनका पहला नंबर नहीं है, नहीं कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर और महबूब अलैहिस्सलाम के फरामीन के अंदर विलायत में भी उनके पहला नंबर है, खिलाफत में भी उनका पहला नंबर है और सियासत में ही उनका ही पहला नंबर है। इसलिए मोहतरम सामईन नाज़रीन, हमारा जो ये सिलसिला चल रहा है और हमारी जंग चल रही है वो इसी पे है कि अगर आज माअज़ल्लाह हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत पर हमला किया गया, अगर आज माअज़ल्लाह ये बीच में से कोई रास्ता निकाल के कि जी हम उनको पहला खलीफा सियासत में तो मानते हैं, विलायत में पहला खलीफा नहीं मानते, तो ये मामूली हमला नहीं, ये बहुत बड़ा हमला है। ये उन राशियों की जो बहुत बड़ी साजिश है उसका ये पहला पेश खैमा है। इसलिए हमारे क़ायद हुज़ूर कंज़ुलनामा बहरुल उलूम हज़रत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुहुल कुद्सिया ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमूज़ पे पहरा देते हुए इसी झंडे को बुलंद किया है कि जब एक टीवी चैनल पे एक मलूना ने बैठकर जब ये बकबक की थी हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, जिस दिन हक नहीं मिला था माअज़ल्लाह, उस दिन अदालत का और इंसाफ का जनाजा निकल गया था, तो हमारे कायद ने जो उसने बकबक की उसका जवाब दिया। उनका कसूर सिर्फ ये है और हमारे वो सारे के सारे जो आज तक हमसे अपने हाथ चिमवाते रहे, आज तक हमसे अपने नजराने बटोरते रहे, अपनी तजुरियां भरते रहे, जब मौका आया नमूज से ज़्यादा पे पैरा देने का, जब वक्त आया सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नमूज पर पैरा देने का, उन्होंने हमको ही माअज़ल्लाह ये कहना शुरू कर दिया ये नस्बी हो गए हैं, ये खारिज हो गए हैं, हमें कोई परवाह नहीं। हमारे कैद ने कहा था जब तक भी जिंदा रहना है हक कौल जुबान से कहना है, क्या डर है मौत का ऐ आसिफ, जब जाना अपनी बारी है। अल्लाह की बरगाह में दुआ है, अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।